Hello friends, welcome to Daily Education, another video of Central Government National Mean Cum Merit Scholarship Scheme NMMSS. दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य जो है, जो भी आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं और वो 8th क्लास के बाद से अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं, तो उनकी आगे की पढ़ाई को जारी रखने के लिए केंद्र सरकार ने यह स्कीम लेके आई, जिसके तहत उनको हर महीने 500 रुपये स्कॉलरशिप दी जाएगी तथा साल भर में 6000 रुपये उनको स्कॉलरशिप के तहत दिया जाएगा। आइए इस योजना के बारे में और जानते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी इज लॉन्च दिस स्कीम। ऑल द मेटोरियस स्टूडेंट बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन विल बी गिवन स्कॉलरशिप ऑफ क्लास 9th, 10th, 11th, 12th विल गेट स्कॉलरशिप ऑफ ₹6,000 पर ईयर टू परस्यू देयर स्टडीज। स्कॉलरशिप रेट इज फिक्स्ड एट ₹500 पर मंथ एंड देयर आर 1 lakh स्कॉलरशिप टू बी गिवन टू क्लास 9th स्टूडेंट। कैंडिडेट विल कंटिन्यू टू रिसीव दिस अमाउंट एंड दे कैन अप्लाई फॉर रिन्यूअल इन क्लास 10th, 11th, 12th। दिस स्कॉलरशिप विल असिस्ट स्टूडेंट टू स्टडी इन स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडीज स्कूल। द मेन एम ऑफ दिस स्कीम इज टू रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट आफ्टर क्लास 8th। Eligibility and details. The total family income of the candidate from all sources must not exceed ₹1.5 lakh per annum. All student must have scored 55% marks in class 7 to appear in NMMSS. For further classes either from class 9 to 12, candidate must score at least 55% marks. Election 5% for SC and ST कैंडिडेट। तो दोस्तों, जी इतनी जानकारी नेशनल मीन कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।